हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमडीएम मील ट्रैक ऐप की, जो एक नई ऐप आई है प्ले स्टोर में उन एमडीएम इंचार्जेस के लिए जो अपना काम मैन्युअली करते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको डेली कंजप्शन रजिस्टर्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, मंथली रिपोर्ट्स उनको जनरेट करते हैं, और जो मील्स हमने शुरू किए उनके एक्सपेंडिचर्स मेंटेन करने पड़ते हैं। वो सब काम अब ऑटोमेटिक हो गया है इस ऐप की वजह से। तो सिंपली हमें अपने मील्स एंटर करने हैं और हमारा जो रिपोर्ट्स हैं, जो हमारा कुमुलेटिव एक्सपेंडिचर्स हैं और कंजप्शन रजिस्टर्स हैं, वो मंथली जनरेट होंगी। कभी भी आप उनको प्रिंट या शेयर कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं इस ऐप को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करें। प्ले स्टोर में आपको सर्च बार में टाइप करना होगा एमडीएम मील ट्रैक। तो एमडीएम मील ट्रैक को सर्च करने के बाद एडवर्टाइजमेंट्स के बाद जो पहली ऐप आपकी आएगी, ये वाली ऐप, इसको आपको ओपन करना होगा। यहाँ पे सिंपली आपको इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। मैंने पहले इसको इंस्टॉल किया है, सो मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ और ये ऐप आपके फोन में ओपन हो जाएगी। चलते हैं हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की तरफ। तो रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आपको यहाँ पे लॉग इन स्क्रीन दिख रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग इन बटन के नीचे डोंट हैव एन अकाउंट, उसके बाद साइन अप की एक लिंक है, उस पे आपको क्लिक करना होगा और आप रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे आ जाएंगे। पहले वाले फील्ड में आपको अपना ईमेल एंटर करना होगा। तो ये ऐप सिर्फ जीमेल अकाउंट्स ही एक्सेप्ट करती है, तो एक जीमेल का ईमेल एड्रेस ही यहाँ पे एंटर करें। उसके बाद अपना पासवर्ड सेट करें, उसके बाद उस पासवर्ड को कंफर्म करना होगा। मैंने इस पर्पज के लिए एक डेमो अकाउंट बनाया है इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, तो मैं सिंपली वो अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने अपनी डिटेल्स एंटर कर ली हैं और मैं नीचे जो वेरीफाई और साइन अप का बटन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। एक लोडिंग स्क्रीन के बाद आपको ये दूसरे पेज पे ले जाएगा और वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी कि आपका जो ओटीपी है वो इस ईमेल पे सेंड हो चुका है। 10 मिनट्स तक यहाँ पे उसको आपको एंटर करना होगा। तो इसके लिए हम जाते हैं अपनी जीमेल ऐप में। जीमेल ऐप में हम इस ओटीपी को वहाँ से देखेंगे। आप देख रहे होंगे हमें एमडीएम मील ट्रैक की तरफ से एक ओटीपी आया है। उस ओटीपी को यहाँ से हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं इस फील्ड में। तो ओटीपी को पेस्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्टरिंग यूजर सक्सेस, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब लॉग इन स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो लॉग इन स्क्रीन पे अब हम जाएंगे इस बटन को क्लिक करके। यहाँ पे वही ईमेल हमें एंटर करना होगा जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन की है। मैं आपको बता दूं, जो पासवर्ड हमने यहाँ पे सेट किया है उस पासवर्ड को आप सेफ जगह रखें। आपका सेशन जो है वो एक मंथ का होता है। तो मैं वही ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और फिर हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और हमारी जो ऐप है वो लॉगिन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप आ जाएंगे सब्सक्रिप्शन पेज पे, क्योंकि इन डेवलपर्स को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इस ऐप को कंप्लीट करने में। ये बहुत सारे सर्विसेज यूज करते हैं बैकएंड में जिनके मंथली प्लान्स होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस डेवलपर को सपोर्ट करें अगर हम इस ऐप के फीचर्स यूज करें जो हमारा काम आसान बना देता है। तो यहाँ पे आपको दो प्लान्स मिलेंगे, एक तो प्रो प्लान है, एक प्रीमियम प्लान है। अगर हम कंपेयर प्लान्स पे क्लिक करते हैं तो हमें पूरा कंपैरिजन मिलेगा इन प्लान्स का। प्रो प्लान में हमें सभी फीचर्स मिलेंगे, ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस, कुमुलेटिव इंसाइट्स, मंथली ईयरली रिपोर्ट्स, डेली कंजप्शन रजिस्टर। ऑफलाइन मोड में हम यूज कर सकते हैं इसको, कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। फ्री ट्रायल भी हमें मिलेगी इस प्लान पे। प्रीमियम प्लान में हमें क्लाउड सिंक मिलता है और डेटा बैकअप मिलता है, एडवांस डिवाइस सपोर्ट मिलता है। तो इसका मतलब है कि प्रो प्लान में हमारा जो डेटा है वो सिर्फ डिवाइस पे सेव रहता है और प्रीमियम प्लान में हमारा जो डेटा है वो क्लाउड के साथ सिंक रहता है। इसका यही फायदा है कि जब भी हमें कभी खुदा ना खासा हमारा फोन खो जाता है, हमें नए डिवाइस पे स्विच करना है, या एक्सीडेंटली हमारे फोन का डेटा डिलीट होता है, तो उस टाइम प्रीमियम प्लान में क्या होगा, हमारा जो डेटा है वो बैकअप रहेगा, हम उसको रेस्टोर कर सकते हैं। और प्रो प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जो पूरा डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। यही डिफरेंस है इन दो प्लान्स में। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीचे एक ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड रेस्टोर परचेज का बटन आपको मिलेगा। ये उस टाइम यूज करेंगे हम अगर हमने सब्सक्राइब किया था पहले से और फिर हमारा जो डिवाइस है हम स्विच करते हैं किसी दूसरे डिवाइस पे, उस टाइम हमें वो सब्सक्रिप्शन रेस्टोर करनी होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब्सक्राइब
किया है तो हमें चाहिए कि जिस प्ले स्टोर अकाउंट से हम यहाँ पे सब्सक्राइब करें उसका पासवर्ड भी हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब होगा कि अगर हम दूसरे फोन पे स्विच करते हैं तो हम उस प्ले स्टोर अकाउंट को वहाँ पे लॉग इन करते हैं जिससे हमने ये सब्सक्रिप्शन ली थी। हमें रेस्टोर परचेज पे जाना होगा, वो रेस्टोर परचेज करना होगा और हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो हम जाते हैं व्यू प्राइसिंग एंड सब्सक्राइब पे, हम रिकमेंडेड प्लान यहाँ पे ट्राई आउट करते हैं। तो जो ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे हमें एक पे वॉल यहाँ पे दिखेगा। ये हमें 7 days की फ्री ट्रायल भी देते हैं, 7 days तक हम इस ऐप को टेस्ट कर सकते हैं, कोई पैसे हमें नहीं देने होंगे। तो अगर 7 दिन तक हमें लगे कि ये ऐप हमारे लिए फायदेमंद है, इसका वैल्यू है हमारे लिए, हमारा काम इसने आसान किया है, तो हम सिंपली इस ऐप को रख सकते हैं। अगर हमें लगा कि ये ऐप हमारे लिए वैल्यू नहीं रखती है, हमारा काम आसान नहीं कर सकती है, तो हम इस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करके उस ऐप को डिलीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट मेथड्स आप चूज कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ और कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी 7 days फ्री ट्रायल यहाँ पे स्टार्ट होगी इस पेज से। तो हम सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको ये यहाँ पे दिखेगा, रिक्वायर ऑथेंटिकेशन फॉर परचेज। तो सिंपली हम यहाँ पे यस ऑलवेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ये एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, हमें गूगल प्ले पॉइंट्स परचेज, हम इसको नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे और हमें प्रोसेसिंग सब्सक्रिप्शन का लोडिंग स्क्रीन दिखाएगा। उसके बाद हमें ये पॉपअप आएगा, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कंफर्म, यू हैव सक्सेसफुली सब्सक्राइब टू मीलट्रैक प्रीमियम प्लान। नीचे एक रिस्टार्ट ऐप का बटन मिलेगा। रिस्टार्ट ऐप को हमें क्यों करना होगा, क्योंकि ये सिंक को अनेबल करेगा क्योंकि हमने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ली है। तो हम रिस्टार्ट ऐप के बटन पे क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे इस ऐप के वेलकम स्क्रीन पे। यहाँ पे एक वेलकम नोट है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद हम नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और हम पहुंच जाएंगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्क्रीन में हमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको आप जरूर पढ़ें ताकि आपकी जो है एक्सपीरियंस है वो स्मूथ रहे और आपको कोई परेशानी नहीं हो। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमें स्क्रीन मिलेगा ये है अपडेट यूजर डिटेल्स। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें कुछ यूजर डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारा पूरा नेम हमें एंटर करना होगा यहाँ पे। उसके बाद हमारी डिजिग्नेशन क्या है स्कूल में, चाहे हम HOI हैं या टीचर हैं या MDM इंचार्ज हैं, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपके स्कूल का UDIS कोड आपको एंटर करना होगा। UDIS कोड एंटर करने के बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना होगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने के बाद सबमिट और नेक्स्ट पे हमारा प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो इसके बाद आते हैं हम अपडेट स्कूल प्रोफाइल पे। यहाँ पे बहुत सारा इन्फो हमसे मांगेगा जो स्कूल के रिलेटेड है और MDM के रिलेटेड है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये वन टाइम सेटअप है, ये आपको एक ही बार एंटर करना होगा जब पहले आप ऐप को इनिशियलाइज कर रहे होंगे, बाद में आपको ये इन्फॉर्मेशन बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वैल्यू कैन नॉट बी एडिटेड आफ्टर सबमिशन। कुछ फील्ड्स पे यहाँ पे लिखा है कि इस वैल्यू को आप सबमिट करके फिर चेंज नहीं कर सकेंगे, तो आप ये इंश्योर करें कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरें ताकि आपके रिपोर्ट्स पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिख जाए। तो पहला सेक्शन है स्कूल एड्रेसेस, इसमें पहला फील्ड आता है स्टेट वेयर स्कूल इज लोकेटेड। सिंपली आप अपने स्कूल के स्टेट को, जिस स्टेट में स्कूल लोकेटेड है उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट वेयर स्कूल इज लोकेटेड, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखे जहाँ पे वो स्कूल लोकेटेड है। अभी के लिए मैं कुछ डेमो डेटा मैंने भर दिया है इसमें। तो उसके बाद है ब्लॉक जोन वायर स्कूल इज लोकेटेड, किस ब्लॉक या जोन में आपका स्कूल लोकेटेड है। उसके बाद है विलेज वार्ड, किस विलेज में या वार्ड में आपका स्कूल लोकेटेड है, उसका नाम यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद आता है स्कूल एंड MDM डिटेल्स, उसमें पहले आएगा आपका स्कूल का नाम, अपने स्कूल का पूरा नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आता है UDIS कोड, 11-digit UDIS कोड जो होता है हमारा, उसको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद है MDM इंचार्ज का नेम, उसको यहाँ पे एंटर करें। MDM इंचार्ज का नेम आपके फील्ड में आपको दिख रहा होगा, वो नोट नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करें। अब हमें सिलेक्ट करना है कौन सा टाइप स्कूल है, तो हम अभी इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है फूड ग्रेन सर्वड इन MDM। MDM में कौन से फूड ग्रेन हम सर्व करते हैं, क्योंकि PM पोषण की गाइडलाइंस में हम वीट बेस्ड मील भी सर्व कर सकते हैं और राइस बेस्ड मील भी सर्व कर सकते हैं। कुछ जगह पे वीट एंड राइस अल्टरनेट डेज पे भी हम देते हैं, तो सिंपली हम वो ऑप्शन चूज
चूज करें जो हमको प्रिवेल होता है। तो अभी के लिए मैं राइस ओनली सिलेक्ट करता हूँ। अगर हम वीट एंड राइस सिलेक्ट करते हैं तो हमें वीट और राइस दोनों के बैलेंसेस वहाँ पे दिखेंगे ऐप में आगे, और उन दोनों के लिए हम मील सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्ट डिपार्टमेंट फॉर विच MDM इज सर्व्ड, किस किस डिपार्टमेंट में आप MDM शुरू करते हैं, जिन डिपार्टमेंट्स में आप MDM शुरू करते हैं उसको सिलेक्ट करें। अभी अगर हम प्राइमरी सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे हमें एक और फील्ड मिलेगा जिसमें हमें उसका रोल एंटर करना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं प्राइमरी में। तो अभी के लिए मैं तीनों को सिलेक्ट कर देता हूँ, प्राइमरी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। तो उनका एनरोलमेंट भी मुझे फिल करना होगा। ये एनरोलमेंट हम सेटिंग्स में भी बाद में चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपने स्कूल का एनरोलमेंट जो है उसको चेक करके इसको एंटर करें यहाँ, और इस डेटा को मैं फिर से चेक करूंगा अच्छी तरह से, कहीं पे कोई टाइपो तो नहीं है, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हुआ, पूरा चेक करके फिर इस सबमिट बटन पे हमें क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे कुकिंग कॉस्ट पे, पर स्टूडेंट कितना कॉस्ट है, जो PM पोषण की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से प्रीफिल डेटा रहता है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि कहीं पे मुझे चेंज करना है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम नो चेंजेस और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे अब जो मेन पेज है इस इनिशियल सेटअप का, जो वन टाइम सेटअप आपको करना होता है ओपनिंग बैलेंस का। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10th या 20th करंट मंथ पे आप इस ऐप को सेटअप करते हैं तो फिर भी आपको वही बैलेंस एंटर करनी होगी जो आपकी पिछले मंथ की क्लोजिंग बैलेंस होगी या इस मंथ की ओपनिंग बैलेंस होगी एज ऑन फर्स्ट ऑफ द मंथ। अपने रजिस्टर से वो बैलेंस आप चेक करें फिर उसको यहाँ पे एंटर करें हर किसी डिपार्टमेंट के लिए। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा और हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस ऐप के होम स्क्रीन पे। तो हमारा इनिशियल सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया, एक वन टाइम सेटअप होता है। अब आपको दोबारा वो सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली जब आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन हमेशा दिखेगा और यहीं से आपको मेल्स एंटर करने होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा काम आसान कैसे कर देता है, और सिंपली हमें अपने मेल्स एंटर करने और बाकी सभी कैलकुलेशंस ये ऑटोमेटिकली करेगा, आपकी रिपोर्ट्स भी रेडी रहेंगी। फॉर एग्जांपल किसी दिन हमने मेल शुरू किए, अब हमें वो मेल्स ऐड करने हैं, हम इस ऐड मेल्स बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दो चार फील्ड्स दिखाई देंगे। एक तो मील्स नॉट सर्व्ड, अगर हमने मील्स सर्व नहीं किए उस दिन तो सिंपली हमें इसको चेक करना होगा, फिर हमें रीजन सिलेक्ट करना होगा कौन सा रीजन था कि हमने मील्स नहीं सर्व किए। ये जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे PM पोषण पोर्टल से लिए गए हैं और वही सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। सिंपली हम कोई भी ऑप्शन जिस वजह से हमने मेल्स सर्व नहीं किए हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको सबमिट करेंगे। अगर हमें अब मेल्स सर्व किए हैं तो हमें इसको अनचेक करना होगा, और प्राइमरी के लिए कितने मेल्स हमने सर्व किए हैं, प्राइमरी के लिए कितने मेल्स हमने सर्व किए हैं और अपर प्राइमरी के लिए कितने मेल्स हमने सर्व किए हैं उसको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो अगर मैं अभी के लिए कुछ मेल्स यहाँ पे एंटर करता हूँ और फिर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे होंगे हमारे मेल्स सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं और हमें एक पॉपअप आएगा कि हम यहीं पे SMS सेंड कर सकें। जो हमारा PM पोषण का पोर्टल है उसको हम यहीं से SMS सेंड कर सकते हैं, जो हमें डेली SMS भेजना होता है कि कितने मील्स हमने शुरू किए। जब हम सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें SMS ऐप पे ले जाएगा, और जहाँ पे वो SMS एज पर गाइडलाइंस फ्रॉम PM पोषण वो SMS टाइप करके रहेगा, आपको सिर्फ सेंड करना है और वो SMS सेंड हो जाएगा 15544। आप देख रहे होंगे अब यहाँ पे लिखा आ रहा है मील्स ऑलरेडी सबमिटेड, इसका मतलब है कि जो मील्स हमने आज शुरू किए हैं वो सबमिट हो चुके हैं। यहाँ पे एक ग्राफ भी शोर हो रहा है किस दिन पे हमने कितने मील्स शुरू किए हैं, पिछले जो डेज हैं वो हमारे पेंडिंग रहे हैं उनको भी हम सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए हमें दिस मंथ का जो टैब है नीचे उसमें जाना होगा, यहाँ पे एक पेंडिंग का टैब भी है जो हमें दिखाएगा कि कौन से दिन हैं जिनमें हमने मील्स शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि हमने 8th को इस ऐप को सेटअप किया है तो हमारे पिछले जो भी दिन हैं हॉलीडेज के वगैरह संडेज के बगैर वो हमें यहाँ पे दिखेंगे और हम उनके लिए भी मील्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए भी मैंने मील्स एंटर किए, सेकंड पे फॉर एग्जांपल अगर हमारा हॉलीडे था हम सिलेक्ट रीजन करेंगे, हम लिखेंगे कोई गेस्टेड हॉलीडे थी या लोकल हॉलीडे थी, उस रीजन को सिलेक्ट करके उसको सबमिट करेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे अगर हम सबमिटेड में जाएंगे हमने डेज शुरू किए हैं उसका लिस्ट हमें मिलेगा, हम उसको एडिट भी
कर सकते हैं इस एडिट बटन को क्लिक करके। तो ये था दिस मंथ का टैब। इसके बाद हम चलते हैं फिर होम स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं दिखा दूं जो हमने मेल शुरू किए हैं वो दो दिन के लिए हैं। एक तो हमने पेंडिंग में किया था और एक दिन को हॉलीडे रखा था और एक आज का किया था, तो दो दिन वो आए हैं हॉलीडे के बगैर। टोटल मेल्स हमें 188 शुरू किए। हमारी राइस बैलेंस भी अपडेट हो चुकी है, हमारा अमाउंट ड्यू भी अपडेट हो चुका है और ग्राफ में भी देख रहे होंगे फर्स्ट डेट को भी हमारे मेल शो हो रहे हैं और सेकंड को एच दिख रहा है क्योंकि उस दिन हमने हॉलीडे सबमिट किया था। इसके बाद मैं ले चलता हूँ आप बैलेंस टैब पे। यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव बैलेंस आज तक दिखेगी, ओपनिंग बैलेंस कितनी है फूड ग्रेन्स की, प्राइमरी प्राइमरी अपर प्राइमरी में अलग अलग से दिखेंगे, राइस बैलेंस कितनी है, राइस बैलेंस कितनी हमने लिफ्ट की है इस मंथ में। अगर हमें राइस आया है तो उसको हमें यहाँ पे ऐड करना होगा इस प्लस माइनस बटन पे क्लिक करके। प्राइमरी प्राइमरी अपने डिपार्टमेंट्स में वो बैलेंस हम यहाँ पे ऐड कर सकते। तो अगर अब हमें लगे कि हमें कुछ गलत हुआ है, क्वांटिटी गलत हो चुकी है, हमने अपर प्राइमरी में हमारे 35 ही केजीज थे, हमने 40 अंडर किया है, तो सिंपली हम फिर इसी पे जाएंगे। बाकी फील्ड्स में हम 00 करेंगे क्योंकि हमारा अपडेट हो चुका है अच्छे से। इसमें हम अपर प्राइमरी में हम -5 उसको करेंगे, 5 केजीज माइनस करेंगे, ये नेगेटिव वैल्यूज भी एक्सेप्ट करता है, सबमिट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे हमारी जो राइस बैलेंस है जो हमने लिफ्ट की अपर प्राइमरी की वो 5 हो चुकी है और ये अच्छे से अपडेट हो चुकी है। इसके बाद एक्सपेंडिचर की डिटेल्स हमें यहाँ पे मिलेंगी, कितना हमारा ओपनिंग बैलेंस था, कितना हमें अमाउंट रिसीव हुआ है इस मंथ, उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा हमारा इस मंथ का, क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर आज तक कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, उसके बाद बैलेंस कितनी रही है टोटल इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस जो थी हमारे पिछले मंथ की, उसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं रिपोर्ट जनरेशन पे। रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी होगी हमें, तो आप देख रहे होंगे नीचे इस होम पेज पे रिपोर्ट्स के दो बटन मिलेंगे, एक तो जनरेट मंथली रिपोर्ट पे और ईयरली रिपोर्ट पे। हम अभी मंथली रिपोर्ट पे जाएंगे तो इस स्क्रीन पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आप डिटेल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकेंगे। तो पहले फील्ड में हमें अपना ईयर सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद मंथ सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद रिपोर्ट टाइप में हम बहुत सारी रिपोर्ट टाइप्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली 3 टाइप्स के रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं। एक तो MDFC है जो PM पोर्शन की जो ऑफिशियल रिपोर्ट जो सजेस्ट की है उन्होंने, उसका फॉर्मेट भी वहाँ पे अवेलेबल है, उसी फॉर्मेट के हिसाब से इस रिपोर्ट को यहाँ पे भी तैयार किया गया है। तो जो ही हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो MDFC रिपोर्ट है वो तैयार होगी पूरे डिटेल्स के साथ, जो भी हमने पहले इनिशियल सेटअप में एंटर किए थे, अपने आपके स्कूल का नाम, यूटाइस कोड, वो वगैरह सब प्रीफिल्ड होगा, कितने मील्स आपने शुरू किए हैं, जो भी डिटेल्स इसमें होंगी वो प्रीफिल्ड होगी। इसके बाद आता है हमारा डिटेल्ड न्यू फॉर्मेट का रिपोर्ट, बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट इन्होंने तैयार किया हुआ है और वो प्रीफिल्ड रहेगा, वो भी सिंपली आपको वो सिलेक्ट करना है और फिर रीजनरेट पे क्लिक करना है और वो रिपोर्ट भी आपके लिए तैयार हुआ दिखाई देगा। उसमें आपके स्कूल का नाम, आपके ब्लॉक का नाम, पूरे जो मील्स आपने एंटर किए हैं, किस डे पे कितने मील्स एंटर किए हैं हर किसी डिपार्टमेंट में, कब हॉलीडेज हैं, कब संडेज हैं, पूरा राइस बैलेंस का एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखेगा, ओपनिंग बैलेंस कितना था, लिफ्ट कितना किया, कंज्यूम कितना किया और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कैश बैलेंस में भी पूरा ऐसे ही डिटेल्ड रिपोर्ट आपको मिलेगी। उसके बाद है कंजप्शन रजिस्टर, फिर हम रिजनरेट पे क्लिक करेंगे और हमारी कंजप्शन रजिस्टर जो हम मेंटेन करते हैं डेली वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंटेन होगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपली आपको होम स्क्रीन से वो मील्स एंटर करने हैं, बाकी सब ये ऑटोमेटिकली उनको कैलकुलेट करके रखेगा, पूरी कंजप्शन रजिस्टर बन के इस मंथ की मिलेगी। इसके बाद आती है बारी शेयर या प्रिंट की। अब हमें रिपोर्ट शेयर या प्रिंट करना होगा तो हम सिंपली शेयर या प्रिंट पे क्लिक करेंगे और हम ये रिपोर्ट चाहे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आप सेंड करना चाहें या आप प्रिंट भी करना चाहें तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं। पेपर साइज हमें A4 सिलेक्ट करना होगा, तो पेपर साइज में हम ISO A4 को सिलेक्ट करते हैं। तो फिर से मैं बता देता हूँ डिवाइस की फॉन्ट साइज आप चेक करें, अगर वो ज़्यादा रखा है तो ये रिपोर्ट आपको अच्छे से नहीं मिलेगी फॉर्मेटेड, उस टाइम आप डिवाइस का जो फॉन्ट साइज है वो उसको डिफॉल्ट पे रखें या उसको डिफॉल्ट से नीचे रखें ताकि ये जो रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग है वो अच्छे से आपको मिले। तो यहाँ पे हम इसको सीधे सेव कर सकते हैं अपने डिवाइस में या जैसे मैंने कहा था इसको डायरेक्टली हम व्हाट्सएप पे वगैरह शेयर भी कर सकते हैं।
ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं सेटिंग्स के स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दिखेगा कौन सा अकाउंट लॉग्ड इन है, उसका ईमेल दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये वेदर ये अकाउंट आपका सिंक्ड है या नॉन सिंक्ड है। MDM मेल ट्रैक सिंक्ड है इस टाइम, क्योंकि हम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे हैं। अगर हम ट्रू सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे होंगे तो उस टाइम हमें नॉन सिंक्ड यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आएगा आपको लॉग आउट, यहाँ से आप अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं। थीम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी लाइट थीम यूज हो रही है, आप डार्क थीम भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आएगा मैनेज अकाउंट एंड प्लान, इस पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा दिखेगा कि कौन सी सब्सक्रिप्शन आपने ली है। उस सब्सक्रिप्शन को मैनेज करने के लिए सिंपली आपको मैनेज सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा और ये आपको ले जाएगी आपके प्ले स्टोर के सब्सक्रिप्शन पेज पे। यहाँ पे आप इस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकते हैं या अपना पेमेंट मेथड जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा डिलीट अकाउंट। अगर आप चाहेंगे कि मेरा पूरा जो डेटा है जो मैंने इसमें फिल किया हुआ है इस ऐप में अब तक, वो पूरा डिलीट हो जाए, पूरी यूजर इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाए, तो आप इस डिलीट अकाउंट एंड डेटा पे क्लिक करेंगे, आपको एक पॉपअप मिलेगा कि आप श्योर हैं कि आप इस अकाउंट को डिलीट करना चाहेंगे। तो इसमें मैं बता दूं, अगर आपकी एक्टिव सब्सक्रिप्शन है फिर आप अकाउंट डिलीट कर लेते हैं तो आप वो सब्सक्रिप्शन फिर से रेस्टोर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन लिंक है इस ऐप के अकाउंट से और ऊपर से ये लिंक है उस प्ले स्टोर के अकाउंट से। तो आप ये पूरा ध्यान रखें कि आप एक्सीडेंटली इस अकाउंट को डिलीट ना करें। उसके बाद आता है स्कूल प्रोफाइल। स्कूल प्रोफाइल में जो मैंने बताया था इनिशियल सेटअप के टाइम, जो हमारा वन टाइम सेटअप होता है, उसमें कुछ डिटेल्स हम बाद में एडिट कर सकते हैं, जैसे कि MDM इंचार्ज का नेम है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर है और स्कूल एनरोलमेंट होती है, उसको हम यहाँ पे अपडेट करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओपनिंग बैलेंस, इसको भी अगर हमें लगा कि हमने कुछ गलत किया है तो हम इसको भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है MDM रेट्स, अगर हमें लगे कुकिंग कॉस्ट्स चेंज हो गए हैं उस टाइम हम इसको अपडेट करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि हम कुकिंग कॉस्ट्स चेंज हो गए कभी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उस टाइम हम जब अपडेट करेंगे कुकिंग कॉस्ट्स को तो नेक्स्ट मंथ से उसका इफेक्ट होगा इस ऐप में। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट अस, अगर आप चाहें तो इस डेवलपर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए तो यहां से आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं इस ऐप के रिलेटेड, तो वो आप यहां से भेज सकते हैं थ्रू जीमेल। उसके बाद आता है लीगल पार्ट, यहां पे प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस ऐप को यूज करने के लिए, वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात पे बता दूं लास्टली कि ये ऐप आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। इनिशियल सेटअप और लॉगिन के बाद आप कभी भी इंटरनेट के बगैर भी इस ऐप को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो फार फ्लंग एरियाज में होते हैं, तो वहां पे भी वो नेटवर्क एरिया में जाके इस ऐप को सेटअप कर लें, फिर जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे इनिशियल लॉगिन के बाद, आप देख रहे होंगे मैं इसको ओपन करूंगा इनिशियल लॉगिन के बाद ये सीधे ही ओपन हो जाएगी, कोई लॉगिन वगैरह स्क्रीन हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि ये यूजर इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखती है और पूरे आप मील्स वगैरह भी अच्छे से ऑफलाइन भी एंटर कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू ट्राई आउट दिस ऐप एंड शेयर योर सजेशंस।